नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीडी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालिया। राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के बहाने बनाने के लिए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भारत की सच्चाई से डर गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली NCR पहुंच चुकी है। आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चल रही है। राहुल गांधी के साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है। फरीदाबाद में भारत जोड़ो यात्रा के चलते ट्रैफिक को लेकर काफी पाबंदियां लगाई गई है। आज देर शाम भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर पर रुकेगी। वहीं एजेंसी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा शनिवार यानी कि कल सुबह 6 बजे बदरपुर सीमा से दिल्ली में एंट्री करेगी। यात्रा मथुरा रोड से होते हुए आश्रम की ओर बढ़ेगी। इसके बाद जाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, ITO से होकर लाल किले तक जाएगी। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक लाल किले से नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए राजघाट तक जाएगी। वहीं आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यात्रा का रूट तय होने के बाद इसे लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा अपने 108वें दिन शनिवार को सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक बार रूट तय हो जाने के बाद एडवाइजरी जारी की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने शुक्रवार को ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने IPC की 144 के तहत पहले ही आदेश जारी किया था। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बल्लभगढ़ से धोज होते हुए सोहना जाने वाला रूट सुबह 4 बजे से दोपहर तक पूरी तरह से बंद रहेगा। शाम 4 बजे से बड़खल चौक, पुराना चौक और नीलम अजरौंदा चौक से NIT की ओर आने वाले सभी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही दिल्ली मथुरा रोड, नीलम फ्लाईओवर से दिल्ली की ओर जाने वाली सर्विस रोड और NH2 सभी तरह के ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। साथ ही बता दें, यात्रा के दौरान दोनों दिन फरीदाबाद में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं ताकि ट्रैफिक संबंधी किसी भी समस्या से बचा जा सके। एडवाइजरी के मुताबिक KMP के जरिए रेवाड़ी से सोहना, रेवाड़ी तुरु पलवल और पचगांव से गुरुग्राम जा सकते हैं। साथ ही आज फरीदाबाद में भारी वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। पलवल से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन KGP से निकल सकेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।